गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विथ शालू तो गाइज आज का जो लुक मैंने क्रिएट किया है ये किया है रक्षाबंधन के लिए आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लुक है देन बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ है तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो हम आगे वीडियो में देखेंगे पर वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बैल भी हट कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो गाइज़ बहुत ही प्यारा सा लुक है ये तो मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट मैंने लिया है वी का मॉइस्चराइजर ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर मिल जाता है देन सेकंड मैंने यूज़ की है जॉय की सनस्क्रीन तो दोपहर का समय में हम रक्षाबंधन के लिए जाते हैं तो हम सनस्क्रीन लगाना जरूरी बनता है देन प्राइमर के लिए मैंने लिया है सूज ब्यूटी का प्राइमर और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जो इसमें है प्रोडक्ट वो है ये स्पिंस की बेबी क्रीम तो गैस ये फाउंडेशन का वर्क करती है आप देख सकते हो मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है आपको इसे लेना है और आप पे अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि ये थोड़ी सी ठीक होती है तो इसीलिए ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया है कंसीलर तो आप कोई भी, भी कंसीलर ले सकते हो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया था तो मैंने ये वाला ले लिया तो आप देख सकते हो देन उसके बाद मैंने लिया है लिपस्टिक तो आप कोई भी पीच कलर की आप जैसा कलर चाहते हो उस कलर की लिपस्टिक लेकर और आप ऐसे ब्लश की जगह इसे यूज कर सकते हो ऐसे ब्लश यूज़ करने से बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका मेकअप जो है वो रहता है तो मेरे फेस को जो है कॉन्टोरिंग की नीड है इसीलिए मैंने कॉन्टोरिंग की है आपके फेस को नहीं है तो आप नहीं करिए अगर आपको पसंद है वैसे कॉन्टोरिंग जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप ज़रूर कीजिए आपके फीचर्स जो है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं देन पाउडर के लिए मैंने यूज़ किया है ये टेन रुपीज़ का ही स्पिंस का पाउडर तो आप देख सकते हो इसमें टेन रुपीज़ का मेकअप बेस मैंने रेडी किया है तो आप देख सकते हो और ये है न्यू प्रोडक्ट मेरा जो कि है एफ एफ आर की ब्राउ पैलेट और इसका भी रिव्यू आपके लिए बहुत ही जल्दी आएगा तो मैंने लिया है आई मेकअप के लिए ये स्विस ब्यूटी का ही आई शुरू पैलेट और इसमें से मैंने एक ये पिंक शेड लेकर उसको डार्क फॉर्म में आ, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करके देन फुल्ली क्रिस लाइन पे ब्लेंड कर लिया है तो आप देख सकते हो इतना इजी आई मेकअप है कि आप फटाफट से कर सकते हो क्योंकि इस टाइम तो रेडी जल्दी से होना होता है तो इसीलिए आप कोई भी शेड आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके ड्रेस हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो देन सिंपल सा ही ग्लिटर आप लेकर अगर आपके पास ऐसा लिक्विड ना हो तो आप जो ग्लिटर होता है या फिर कोई भी शिमर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही प्यारा लगेगा काजल यूज़ कर लीजिए देन फिर हम आते हैं पाउडर प्रोडक्ट पे। तो हमने पाउडर प्रोडक्ट के लिए लिया है ये एस एफ आर का ब्लश, देन कॉन्ट्रोल लिया है वेट एंड वाइल्ड का क्योंकि अगर हम क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें उसको लॉक uh, करने के लिए पाउडर कॉन्ट्रोल या पाउडर ब्लश या फिर पाउडर की ज़रूरत होती है उसके बाद हम सब सेट कर लेंगे मेकअप फ़िक्सर से जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपका हाइलाइटर ज़्यादा अच्छा नहीं है और इवन अगर है भी तो आप मेकअप फिक्सर के बाद ही हाइलाइटर जो है यूज़ कीजिए तो बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा और बहुत ही प्यारा मेकअप भी आएगा तो आप देख सकते हो तो ये मैंने जो मेरे हाईएसट पॉइंट हैं जहां जहां हम लाइक हाईलाइटर यूज़ करते हैं वहां वहां मैंने हाईलाइटर यूज़ कर लिया है देन आज मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं